हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, बड़े भाई प्रवीण शंकर कपूर जी, बड़े भाई विक्रम मित्तल जी और यहाँ उपस्थित मीडिया के बंधुगण, आज एक प्रेस वार्ता करी गई है उसको देखकर मिसेस केजरीवाल की बाध्यता और उनकी वेदना, ये दोनों हमें समझ में आती है। पर बड़ी विनम्रता से कहूंगी कि मिसेस केजरीवाल के वेदना के जिम्मेदार पूर्ण तरह माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी जेब में 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स भरने के लिए, वो 100 करोड़ रुपए उनकी आम आदमी पार्टी में इस्तेमाल हो अपने इस स्वार्थ के लिए उन्होंने दिल्ली की जनता को ठगा। अपने इस 100 करोड़ रुपए के किकबैक के लिए 2002 करोड़ से ज्यादा रुपया उन्होंने दिल्ली के टैक्स पेयर्स का ठग लिया, ये बात सीएजी की रिपोर्ट कहती है। खुद इस देश की विभिन्न कचहरियों ने, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट हो, चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उनके ऑर्डर में भी ये पाया गया है कि जांच एजेंसियों ने प्राइमा फेसी एविडेंस एस्टैब्लिश कर दी है उनके समक्ष कि आम आदमी पार्टी लीडर्स ने 90 से 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स शराब नीति में लिए हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी, आपकी जवाबदेही केवल मिसेस केजरीवाल जी के एक एक अश्रु की नहीं बल्कि दिल्ली की उन माताओं और बहनों के अश्रुओं की भी है जो आपकी इस शराब नीति के कारण नौ नौ आंसू रोई है। ये उन्हीं के प्रयासों से, RWA के प्रोटेस्ट से, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं के धरना प्रदर्शन के कारण आपको अपनी ये भ्रष्टाचारी नीति वापस लेनी पड़ी थी, लेकिन आपने इस नीति में कितना घोटाला करा है। 27 करोड़ रुपया तो आपने ठग लिया क्योंकि आपने एक इलीगल प्रोसीजर से डिपॉजिट्स कलेक्ट करे। 144 करोड़ रुपया आपका इसलिए गमन हो गया क्योंकि आप लोगों ने टाइमली परमिशन नहीं ली, आप लोगों ने प्रोसीजर ही फॉलो नहीं करा। 890 करोड़ रुपया पब्लिक का बच सकता था अगर आप रीटेंडर प्रोसेस करते। मैं पूछना चाहती हूं, वो पार्टी जो एंटी करप्शन प्लैंक पर आई थी, जिसे दिल्ली की जनता ने इसीलिए चुना था, वो पार्टी, उसके सरगना माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जो देश के सभी लीडर्स को ये नसीहत देते थे कि जांच में जुड़ना चाहिए, जो करप्शन पे बाकी लीडर से जवाबदेही मांगते थे, जब उनकी जवाब देने की बारी आई तो जांच से क्यों भाग गए? 9 सम्मन्स का आपने निरादर करा। मैं पूछना चाहती हूं कि तब आपको दिल्ली की जनता, अपनी पत्नी और अपने परिवार का ख्याल नहीं आया? आज जो व्यक्तिगत वेदना मिसेस केजरीवाल सार्वजनिक रूप में आकर दिखा रही हैं, जनता के साथ साझा कर रही हैं, इसके लिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल आप हैं अरविंद केजरीवाल जी। अगर आप जांच में जुड़ जाते नवंबर 2023 तक तो ये परिस्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। आपने 9 समन्स का निरादर करा और उसके बाद आपने ईडी को विवश कर दिया कि वो आए और आपको कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए लेके जाए। अरविंद केजरीवाल जी, आपकी जवाबदेही बनती है दिल्ली की जनता के प्रति। फर्जी दवाइयां दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स और दिल्ली के अस्पतालों में वितरित करने के लिए, फर्जी पैथोलॉजिकल टेस्ट के लिए, शराब घोटाले के लिए, एक शीश महल बनाने के लिए, अपना इतना बड़ा राजमहल बनाने के लिए पब्लिक मनी पर, जल बोर्ड का घोटाला, अरे एक लंबी श्रृंखला है अरविंद केजरीवाल जी। आपने दिल्ली की जनता को नौ नौ आंसू रुलाए हैं, आपकी जवाबदेही प्रत्येक अश्रु के लिए बनती है।
हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, बड़े भाई प्रवीण शंकर कपूर जी, बड़े भाई विक्रम मित्तल जी और यहाँ उपस्थित मीडिया के बंधुगण, आज एक प्रेस वार्ता करी गई है उसको देखकर मिसेस केजरीवाल की बाध्यता और उनकी वेदना ये दोनों हमें समझ में आती है। पर बड़ी विनम्रता से कहूंगी कि मिसेस केजरीवाल के वेदना के जिम्मेदार पूर्ण तरह माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी जेब में 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स भरने के लिए वो 100 करोड़ रुपए उनकी आम आदमी पार्टी में इस्तेमाल हो अपने इस स्वार्थ के लिए उन्होंने दिल्ली की जनता को ठगा। अपने इस 100 करोड़ रुपए के किकबैक के लिए 2002 करोड़ से ज्यादा रुपया उन्होंने दिल्ली के टैक्स पेयर्स का ठग लिया, ये बात सीएजी की रिपोर्ट कहती है। खुद इस देश की विभिन्न कचहरियों ने, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट हो चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उनके ऑर्डर में भी ये पाया गया है कि जांच एजेंसियों ने प्राइमा फेसी एविडेंस एस्टैब्लिश कर दी है उनके समक्ष कि आम आदमी पार्टी लीडर्स ने 90 से 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स शराब नीति में लिए हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी, आपकी जवाबदेही केवल मिसेस केजरीवाल जी के एक एक अश्रु की नहीं बल्कि दिल्ली की उन माताओं और बहनों के अश्रुओं की भी है जो आपकी इस शराब नीति के कारण नौ नौ आंसू रोई है। ये उन्हीं के प्रयासों से, RWA के प्रोटेस्ट से, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं के धरना प्रदर्शन के कारण आपको अपनी ये भ्रष्टाचारी नीति वापस लेनी पड़ी थी, लेकिन आपने इस नीति में कितना घोटाला करा है। 27 करोड़ रुपया तो आपने ठग लिया क्योंकि आपने एक इलीगल प्रोसीजर से डिपॉजिट्स कलेक्ट करे। 144 करोड़ रुपया आपका इसलिए गमन हो गया क्योंकि आप लोगों ने टाइमली परमिशन नहीं ली, आप लोगों ने प्रोसीजर ही फॉलो नहीं करा। 890 करोड़ रुपया पब्लिक का बच सकता था अगर आप रीटेंडर प्रोसेस करते। मैं पूछना चाहती हूं, वो पार्टी जो एंटी करप्शन प्लैंक पर आई थी, जिसे दिल्ली की जनता ने इसीलिए चुना था, वो पार्टी, उसके सरगना माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जो देश के सभी लीडर्स को ये नसीहत देते थे कि जांच में जुड़ना चाहिए, जो करप्शन पे बाकी लीडर से जवाबदेही मांगते थे, जब उनकी जवाब देने की बारी आई तो जांच से क्यों भाग गए। 9 सम्मन्स का आपने निरादर करा। मैं पूछना चाहती हूं कि तब आपको दिल्ली की जनता, अपनी पत्नी और अपने परिवार का ख्याल नहीं आया? आज जो व्यक्तिगत वेदना मिसेस केजरीवाल सार्वजनिक रूप में आकर दिखा रही हैं, जनता के साथ साझा कर रही हैं, इसके लिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल आप हैं अरविंद केजरीवाल जी। अगर आप जांच में जुड़ जाते नवंबर 2023 तक तो ये परिस्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। आपने 9 समन्स का निरादर करा और उसके बाद आपने ईडी को विवश कर दिया कि वो आए और आपको कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए लेके जाए। अरविंद केजरीवाल जी, आपकी जवाबदेही बनती है दिल्ली की जनता के प्रति। फर्जी दवाइयां दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स और दिल्ली के अस्पतालों में वितरित करने के लिए, फर्जी पैथोलॉजिकल टेस्ट के लिए, शराब घोटाले के लिए, एक शीश महल बनाने के लिए, अपना इतना बड़ा राजमहल बनाने के लिए पब्लिक मनी पर, जल बोर्ड का घोटाला, अरे एक लंबी श्रृंखला है अरविंद केजरीवाल जी। आपने दिल्ली की जनता को नौ नौ आंसू रुलाए हैं, आपकी जवाबदेही प्रत्येक अश्रु के लिए बनती है।